अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और वीडियो को पूरा देखा करें। तो मेरी शॉप जो है वो सोलर के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से और काफ़ी सारी प्रोडक्ट के हवाले से है, और मैं हर तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात इस तरह की हैं इस वजह से मैं मतलब पूरे वर्क नहीं कर पा रहा यूट्यूब पे। तो जितना होता है वो आप मेरे दोस्तों की मेहरबानी है, आप देखते हो। तो मेरे पास सोलर की तमाम वैरायटी होती है, इन्वर्टर की भी तमाम वैरायटी होती है, और इंशाल्लाह ताला हर किस्म की सहूलत मुयस्सर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से ये मैं आपको शॉप का व्यू करवा देता हूँ, डिश रिसीवर वगैरह से लेकर रिमोट हर चीज़, मतलब के इवन के MPPT कंट्रोलर हर चीज़। तो आज जो मैं चीज़ आप दोस्तों से शेयर करने लगा हूँ वो है ये INVT इन्वर्टर की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग, जिससे आप काफ़ी दोस्त सामान लेके आ जाते हैं और उनको कारीगर नहीं मिलता तो वो काफ़ी परेशान होते हैं, तो और वो इंस्टॉलेशन नहीं कर पाते। तो मेरी वीडियो को आप देखेंगे और गौर से देखेंगे तो आपको हर चीज़ आसानी से ईज़ी हो जाएगी आपके लिए, अगर आप देख के उसको इंस्टॉलेशन करेंगे तो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखिएगा, ये इन्वर्टर को मैंने ऑलरेडी मैं वापड़ा पे लगाया हुआ है 220 पे, इस वजह से ये SP1 का एरर दे रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये प्रोग्राम मैंने प्रेस कर दिया। पहला मरला जो है ना इसका वो ये होता है कि आपने सिंपल सी सेटिंग है सोलर के हवाले से जो आपने करनी होती है। आप इसको लेके जाएंगे, ये ऑप्शन है PB का, आपको नज़र आ रहा है तो गौर से देखिए। यहाँ पे आप डाटा इंटर करेंगे, ये डाटे का बटन है, ये डाटा इंटर होगा। अब आप इसको करेंगे 4, जब ये 4 कर लेंगे तो यहाँ से आप डाटा इंटर करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है ये 90 लिखा हुआ है। 90 की सेटिंग जो होती है ये होती है तकरीबन 14 पैनल के लिए। अभी आपने अगर उस पर 12 पैनल ऐड करने हैं तो ये शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये 0 ब्लिंक करेगी, आगे फिर करेंगे तो ये करेगी। अगर आपने 12 पैनल ऐड करने हैं तो जस्ट इसको आप कर देंगे 8 पे, तो डाटा इंटर कर देंगे तो ये आ जाएगी 5 की सेटिंग। और ये 5 की सेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, वरना चलता नहीं है। ये करेंगे तो ये आपको 50 लिखा हुआ आ रहा है, ये 50 पे ही होता है, ये आपने 50 ही सेट करना होता है। तो अगर नहीं हुआ हुआ तो आप यहाँ से शिफ्ट रख प्रेस करेंगे तो ये 0 ब्लिंक करेगी, तो इसको आप 50 पे कर देंगे, ठीक है। आगे आ जाता है ये 6, इसको छेड़ने की ज़रूरत वैसे नहीं होती। अगर इन्वर्टर आप पावर मोटर ऑफ़ करते हैं, पूरा ऑफ़ नहीं होता तो फिर ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होता है, इसको 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब मैं प्रोग्राम पर बैक जाता हूँ, फिर आ जाते हैं 4 नंबर सेटिंग पर। तो ये आप देख रहे हैं ये 8 का हिस्सा जो है ना ये है 12 पैनल के लिए। अभी यहाँ से अब हम करते हैं इसको 9 पे, ये हो जाएगा 14 पैनल के लिए। तो अगर आप 14 पैनल लगाते हैं तो जस्ट इसको 90 पे या एंड 95 पे, अगर आपका कोई थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, पानी ब्लिंक कर रहा है ज़्यादा, तो यहाँ से आप कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे पैनल लगाते ही इसको 10 हैं तो यहाँ से आप इसको करेंगे 70 पे, ये 7 नज़र आ रहा है तो इसको आप 70 पे कर देंगे, और इसको आप कर लेंगे 0 पे। ये 10 पैनल की सेटिंग है, और ये जो पॉइंट आगे वाला है इससे आपका जो फ़र्क होता है थोड़ा बहुत वो निकल जाता है, ठीक है। अगर आपने करने हैं 16 पैनल तो आप फिर इसको करेंगे 110 पे, ये जो 0 ब्लिंक कर रही है इसको आप करेंगे 1, तो सारा 110 हो जाएगा, ये 110 हो गया। तो अब आप इस पर डाटा इंटर कर देंगे, ये डाटा इंटर करेंगे, आगे सिंपल वही सेटिंग है। तो ये हो गया एक इंस्टॉलेशन के हवाले से ये, और ये टोटल ये इंस्टॉलेशन होती है। नीचे जो वायर लगाने का होता है ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने वायर लगाई हुई है, R, S और T के 3 ऑप्शन है, पावर लिखा होता है, यहाँ आपने R पे और T पे लगाना है, S पे नहीं लगाना। तो सिंपल ये 3 ऑप्शन और होते हैं जहाँ पे आपने मोटर की तरह UVW, यहाँ आपने मोटर की लगानी होती है, बस इतनी सी इंस्टॉलेशन होती है। और भी किसी भाई को कोई इशू हो तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है इंस्टॉलेशन के दौरान, और मैं इंशाल्लाह अपने दोस्तों को ये चीज़ें बताऊँगा। और दुआओं में याद रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।